नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो त्रिपुरा में जो स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी उसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार का रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदी में आपको सिलेबस की जानकारी हम दे रहे हैं और यदि आपको इंग्लिश में इसकी जानकारी चाहिए तो इंग्लिश में भी इसके बाद आपको है जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो भी आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। पदों की बात करें तो 125 जो आपकी पोस्ट हैं वो आ चुकी है और सिलेबस की बात करें तो स्कूल लाइब्रेरियन के लिए जो परीक्षा होगी वो आपकी 150 अंकों की होगी और 150 ही जो क्वेश्चंस है MCQs है वो आपके आएंगे। STSL जो स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चयन परीक्षा है उसमें 150 अंकों की आपकी परीक्षा रहेगी, उसमें से आपको 75 अंक लाने अनिवार्य है, 50% अंक लाने अनिवार्य है। इसके अलावा जो SC ST है उनको 5% की छूट दी गई है, तो 45 यानी जो 68 अंक हैं उनको भी लाने अनिवार्य है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए गए हैं आपके 150 में से। अब बात करें सिलेबस की तो पहली यूनिट दी गई है आपकी जो सामाजिक संस्था है, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था के रूप में इसकी जानकारी क्या है, डेटा सूचना विज्ञान ज्ञान समाज ये इसकी पहली यूनिट है। पुस्तकालय और जानकारी विज्ञान, पुस्तकालयों का जो ऐतिहासिक विकास है वो पहली यूनिट में दिया गया है। सेकंड यूनिट की बात करें तो जो नॉलेज सूचना केंद्र है, जो सूचना केंद्र है वो दिए गए हैं। इसके जो उद्देश्य है, विशेषताएँ, कार्य, इसके अलावा लाइब्रेरी के प्रकार टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, इसके अलावा पुस्तकालय की जो भूमिका है समाज में, शिक्षा में, विज्ञान में, प्रौद्योगिकी विकास में। इसके बाद आपका सेकंड यूनिट में रहेगा पुस्तकालय संगठन की जो सामान्य विशेषताएं हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये प्रत्येक परीक्षा में आ रहे हैं अभी और इनमें से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तीसरी इकाई की बात करें, थर्ड यूनिट की, तो जो पुस्तकालय कानून है, जो लॉ है लाइब्रेरी साइंस के, वो आपके आएंगे। अवधारणा, विशेषताएं, जो भारत में पुस्तकालय अधिनियम है, कानून है, पुस्तकों के लिए जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके अलावा समाचार पत्र डिलीवरी एक्ट है, जो DBA एक्ट है वो भी आपका है, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कॉपीराइट अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम RTI है, बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम है, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम है, साहित्यिक चोरी लिटरेरी वारंट का जो सिद्धांत है वो भी इसके अंतर्गत दिया गया है, पुस्तकालय जो सहयोग है, पुस्तकालय का जो विस्तार है, एक्सटेंशन है लाइब्रेरी का वो भी दिया गया है तीसरी यूनिट में। फोर्थ यूनिट की बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान एक पेशा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो संघ हैं, एसोसिएशंस हैं, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल, जैसे ILA ISLIC हो गया, ITLIS IFLA ALA SILIP ASLIB SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये आपके संघ दिए गए। इसके बाद यूनेस्को है आपका, UGC है, RRF है यानी राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इससे संबंधित आपका पूरा आएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वो दी गई है, ये आपकी फोर्थ यूनिट में है। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो प्रबंधन जो इसकी अवधारणा है, विचार जो इसके विद्यालय हैं, स्कूल्स हैं जो प्रबंधन के, इसके सिद्धांत है जो, इसके अलावा लाइब्रेरी प्रबंधन के जो सिद्धांत है, लाइब्रेरी प्रबंधन के जो कार्य है वो इसमें दिए गए हैं। इसके बाद बात करें अगली यूनिट में, छठी यूनिट में, पुस्तकालय प्रबंधन समिति, पुस्तकालय के जो नियम हैं विनियम हैं, एनुअल रिपोर्ट है, जो वार्षिक रिपोर्ट है, वित्त है, बजट है, पुस्तकालय सांख्यिकी है, पुस्तकालय भवन स्थान प्रबंधन, ये आपकी छठी यूनिट में।
यूनिट 7 की बात करें तो पुस्तकालय जो सूची है, कैटलॉग है, वो आपकी है भौतिक रूप जो लाइब्रेरी सूची का है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। कैटलॉग संपूर्ण जो कैटलॉग आपका दिया गया है वो संपूर्ण आएगा भी। शब्दकोश कैटलॉग, वर्गीकृत कैटलॉग, वर्णानुक्रम विषय कैटलॉग, कैटलॉग जो कोड है इसके जो इतिहास और विकास किस प्रकार हुए वो आपके आएंगे। इसके अलावा जो कैटलॉग एंट्रीज है, प्रविष्टियाँ हैं, जैसे CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, और ASCR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स में जो नवीन आवृत्तियाँ हैं वो आएगी। अगली यूनिट की बात करें तो पुस्तकालय स्वचालन यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन से संबंधित आपकी रहेगी। योजनावंती इसके जो कार्यान्वयन हैं, पुस्तकालय स्वचालन के जो मानक है, स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, वो लाइब्रेरी प्रबंधन जो सॉफ्टवेयर है पुस्तकालय के, स्वामित्व मुक्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गए आपके। पुस्तकालय सेवा में जो टेक्निक है, संचार तकनीक है, वो आपकी यूनिट 8 में है। 9 की बात करें तो सूचकांक से संबंधित आपकी पूरी 9 जो 9वीं यूनिट रहेगी। सूचकांक बनाने का जो संकल्पना है, सिद्धांत है, इसके कार्य है, शब्दावली है, शब्दावली पर जो सिद्धांत है, विशेषताएं हैं, सूचीकरण रहेगी, सूचीकरण के स्तर, दस्तावेज, तकनीकी, पुस्तक निर्देशिकाएं, पत्रिका निर्देशिकाएं, सारांश निकालने की अवधारणा, ये आपका 9th यूनिट में है। और 10वीं यूनिट की बात करें तो ये कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर नेटवर्क, पुस्तकालय नेटवर्क आपका, कंप्यूटर नेटवर्क आवश्यकता, रूपरेखा, लैन, मैन और वैन, ये आपका 10th यूनिट में है। लाइब्रेरी सेवाओं और प्रबंधन में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन उपयोग के कारण हैं वो आएंगे आपके, डेटा सुरक्षा है, नेटवर्क सुरक्षा है, फायरवॉल हो गया जैसे, क्रिप्टोग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये आपके रहेंगे। पुस्तकालय नेटवर्क, इसका इतिहास, संकल्पना, आवश्यकता, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, ये आपके 10वीं यूनिट में दिए गए हैं। तो ये आपका हिंदी में जो आपका सिलेबस था, त्रिपुरा लाइब्रेरियन स्कूल लाइब्रेरियन से संबंधित 125 पोस्टें जो निकाली गई है उसके फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में बात कर लेते हैं, इंग्लिश में किस प्रकार का जो सिलेबस है वो दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चों के क्या है, हिंदी में समझ में नहीं आता है किस प्रकार का सिलेबस है, तो इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश वाले देख सकते हैं भाई, टीचर्स रिक्वायरमेंट बोर्ड त्रिपुरा TRBT द्वारा स्कूल डिपार्टमेंट में स्कूल लाइब्रेरियन की है। 150 MCQ दिए गए हैं, 150 क्वेश्चन है। ये यूनिट फर्स्ट है, सोशल इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, डेटा लाइब्रेरी, नॉलेज, विजडम नॉलेज, नॉलेज सोसाइटी, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। सेकंड यूनिट की बात करें तो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ऑब्जेक्टिव्स इसके, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जनरल फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यूनिट थर्ड की बात करें तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी जो लॉज है, अधिनियम है, वो आएंगे आपके। भारत में इसके जो लाइब्रेरी के जो लॉज है, अधिनियम है, वो आएंगे। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ बुक्स, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, न्यूज़पेपर, कॉपीराइट एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, प्लेगरिज्म, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। अगली यूनिट की बात करें तो लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स फॉर लाइब्रेरियन, नेशनल एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ILA, ISLIC, ITLIS, IFLA, ALA, CILIP, ASLIP, SLA, रोल ऑफ यूनेस्को, UGC, RRF, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगली यूनिट रहेगी आपकी मैनेजमेंट से संबंधित है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, थॉट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अगली यूनिट की बात करें 6th की तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटीज, लाइब्रेरी रूल्स एंड रेगुलेशंस,
एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंस, बजट, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, स्पेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 7th, लाइब्रेरी कैटलॉग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, कॉन्वेंशियल एंड नॉन कॉन्वेंशियल टाइप्स ऑफ कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, अल्फाबेटिको, सब्जेक्ट कैटलॉग, कैटलॉग कोड, हिस्ट्री डेवलपमेंट इसके, कैटलॉग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू CCC एंड ASR लेटेस्ट एडिशन। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट यूनिट में आपके लाइब्रेरी ऑटोमेशन, डेफिनेशन, पर्पज, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेशन ऑफ ऑटोमेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी सर्विसेज। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, थ्योरीज ऑफ इंडेक्सिंग, फंक्शन ऑफ एन इंडेक्स, थ्योरी ऑफ इंडेक्सिंग, टर्मिनोलॉजी, इंडेक्सिंग सिस्टम, लेवल ऑफ इंडेक्सिंग, बुक इंडेक्स, पीरियोडिकल इंडेक्सेज, इंडेक्सिंग लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, यूजेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स, टाइप्स, प्रोसीजर। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क नीड, टोपोलॉजीज, लैंडमैन, रीजंस फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी सर्विस एंड मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस स्पेवायर, एंटी स्पेवायर, लाइब्रेरी नेटवर्क, कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, नीड, टाइप्स, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ये आपका जो TNPL है त्रिपुरा लाइब्रेरी के लिए, जो त्रिपुरा में स्कूल लाइब्रेरी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसका सिलेबस है।